अब जब साक्षी ने पूर्वी को फोर्स करके हवेली में रहने के लिए बोल दिया है तो क्या वीरेंद्र और पूर्वी के रिश्ते में आएगा कोई नया बदलाव? हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाशी फ्रॉम सिने स्पीक्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपके मनपसंद शो मोलकी के लेटेस्ट एपिसोड से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्वी अब वापस से हवेली में रह रही है एज अ मोलकी, एंड साक्षी उसके पास आती है देखने के लिए कि वो बच्चों को मैथ्स के होमवर्क में हेल्प कर रही है। तो साक्षी को ये जानने को मिलता है कि पूर्वी वेल एजुकेटेड है, वो कॉलेज जा रखी है, जिसे मानस साक्षी को बताता ही है। तो उससे और पूछने पे पूर्वी बताती है कि कैसे उसने 12वीं तक पढ़ाई करी थी और उसको अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी थी, तो वीरेंद्र ने उसकी मदद करी एक लोकल कॉलेज में एडमिशन लेने में। वहीं दूसरी तरफ प्रकाशी से ये बात पचती नहीं है कि सारी चीजें से हो रही है, तो उसे पता चलता है कि जो पंचायत के मेंबर है वो अब गोवा में आ चुके हैं। तो वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें बुलाए और उन्हें बताए कि साक्षी वापस आ चुकी है, और अब जब वो वापस आ चुकी है तो उसे वापस से मुखियाइनी का जो टाइटल है, गांव की मुखियाइनी, उसका टाइटल वापस से मिल जाना चाहिए। वही वीरेंद्र दूसरी तरफ वापस से ट्राई कर रहा होता है कि वो कैसे पूर्वी के करीब आ सके, उसको पहले जैसे उसके साथ रह सके, बट पूर्वी वापस उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक मोलकी हूँ, मैं साक्षी को वापस से बिट्रे नहीं कर सकती, उसने मुझे इतना ट्रस्ट दिया है, अपने हवेली में रख रही है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ एज अ मोलकी बन के रहूं और फीलिंग्स बिल्कुल भी अपनी नहीं दिखाऊं, कि जो भी फीलिंग्स है उसकी वीरेंद्र के प्रति। फाइनली अगले दिन जो पंचायत के मेंबर्स है वो आते हैं वीरेंद्र से डिस्कस करने के लिए कि जो मुखियाइनी है वो अब साक्षी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो वापस आ चुकी है और वो डिजर्व करती है उस पोजिशन को। तो सभी सुन लेते हैं, अंजलि खुश हो जाती है और प्रकाशी को बोलती है आपका आइडिया काफी अच्छा था, अब ड्रामा होने वाला है। लेकिन फिर साक्षी सब कुछ ठीक कर लेती है। वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैं बनूंगी बड़ी मुखियाइनी और पूर्वी बनेगी छोटी मुखियाइनी, तो ऐसे क्योंकि हम दोनों पत्नियां हैं वीरेंद्र की, तो हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अकॉर्डिंगली। तो ये सुन के वीरेंद्र खुश हो जाता है, पर वहीं प्रकाशी और अंजलि वापस से दुखी हो जाते हैं कि उनके प्लान में वापस से पानी फेर गया, और इधर पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों का इस अपडेट पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिने स्पीक्स।